फ्रेंड्स, ऑनलाइन अर्निंग के हजारों तरीके हैं, हजारों क्या लाखों तरीके हैं जो आप यूज करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी आप जो अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप काम करके, मैं आपको कहता हूं कि आप 100, 200, 300, 500 तक जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। क्या काम है, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल ऑथेंटिक वेबसाइट है, हर चीज आपको जो है वो आज कंप्लीट गाइड करूंगा। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट देखनी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमर तनवीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमर तनवीर ऑफिशियल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन 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 वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं टाइपिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग की। आज जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूं, यहां पे आपने सिंपली जो है वो टाइपिंग करनी होगी और वहां से आपको जो है वो अर्निंग जनरेट होगी। क्या काम करना है, कितना टाइम आपने देना है, कैसे आपने अर्निंग करनी है, ये सारी चीजें मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा, वो भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो मैं आपसे करता चलूं वो ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है तो भी आप इस वेबसाइट पे काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अच्छी सी स्किल मौजूद है, मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, लोगो डिजाइनर, आप जो है वो लोगो डिजाइन कर लेते हैं जबरदस्त किस्म के, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये काम है। आप इससे 100, 200, 300, 500 तक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी और सिंपल इस पे काम करना है आपने और यहां से आपने अर्निंग जनरेट करनी है। यार हजारों नहीं, लाखों ऐसे तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आज जो है वो आपके साथ वो तरीके शेयर करूं जो 100% ऑथेंटिक और रियल हो। ठीक है, कोई भी फेक वे जो है वो तरीका आपके साथ मैं शेयर नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं 100% रियल तरीके हूं जहां से आपको यार कोई अर्निंग हो, कोई फायदा हो। ठीक है, ना कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वो काम लाऊं जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ना हो, सिर्फ आपकी स्किल्स को जो है वो प्रूव करके आप जो है वहां से अर्निंग कर सकें। क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं यार कि हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है या कोई ऐसा वैसा काम किया है जहां पे हमने आईडी परचेज की है या कोई जो है हमने एड्स वगैरह देखने का या क्लिकिंग का काम किया है और हमें जो है वहां से अर्निंग नहीं हुई, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हो गया। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ वो वेबसाइट्स, वो एप्स शेयर करता हूं जहां पे स्कैम का बिल्कुल जो है वो 0% चांसेस होते हैं। 100% ऑथेंटिक और रियल वेबसाइट्स होती हैं जो अर्निंग करने आपको बताती भी हैं और आपको अर्निंग देती भी हैं। तो चलें दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप पे जहां पे आज की इस वीडियो का सारा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे और क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं लैपटॉप पे। सबसे पहले आपने गूगल में जाके सर्च करना है स्क्वाड हेल्प। स्क्वाड हेल्प भी लिखेंगे तो भी ये वेबसाइट आ जाएगी, squadhelp.com लिखेंगे तो भी ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये 2008 में फाउंड हुई है, 100% ऑथेंटिक और रियल वेबसाइट है। वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस इनका आएगा। अभी यहाँ पे आपने काम क्या करना है और यहाँ पे आपको पे आउट कैसे मिलेगा वो मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है कॉन्टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ इट वर्क्स, यानी कि इस पे आप देख सकते हैं कि ये काम कैसे करती है, कैसे जो है ये ऑर्डर्स लेती है और कैसे आपको ये पे आउट करती है। उसके बाद प्राइसिंग आ जाती है, प्राइसिंग उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए जो है वो पैकेजेस हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लैटिनियम और मैनेज। ठीक है, ये पैकेजेस उनके लिए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है वो सजेशन देनी है, काम करना है। तो ये देखें, लिखा हुआ है ब्राउज एक्टिव कॉन्टेक्ट्स, रीसेंट विनर्स, बिकम ए क्रिएटिव। अभी मैं आपको समझाता चलूँ कि इस पे काम कैसे होता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे द स्मार्टेस्ट फास्टेस्ट वे टू नेम ए बिजनेस। ठीक है, इसी तरह बुक्स, उसके बाद एप्स, वेबसाइट्स, इसी तरह ये आ रहा होता है। ठीक है, इस पे काम ये होता है कि मुझे अगर कोई ब्रांड ओपन करनी है, ठीक है, या कोई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या कोई ऐप स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई बुक मैं जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ या कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इनको ऑर्डर प्लेस करूँगा। ठीक है, कि यार मुझे ऑडियंस के जो सजेशन है वो चाहिए है, लोगों की जो है वो सजेशन चाहिए है कि वो क्या नाम सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ से मैं कोई नेम चूज़ करूँगा और उसके बाद जो है वो मैं अपनी कंपनी का या अपनी ब्रांड का वो नेम रखूँगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके
जो है इनको कर देता है कि आप जो है मुझे सजेशन लेके दें, वो आगे जो है वो कॉन्टेस्ट रखते हैं, कॉन्टेस्ट पे आके लोग जो है वहाँ पे अपना नेम सजेस्ट करते हैं, वहाँ से जो विनर होता है उसको सारी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अभी हम आ जाते हैं कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट से बाद जो है वो हम देखना चाहते हैं कि कौन से रीसेंट विनर्स हैं, उनको कितनी पे आउट मिली है। ब्राउज पे आएंगे और रीसेंट विनर्स पे हम जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। रीसेंट विनर्स पे क्लिक करने के बाद देखें अभी हमारे पास जो रीसेंट विनर्स शो हो रहे हैं, ठीक है, इसने लोगो जो है वो दिया था, लोगो फॉर दी एजेंसी, और इसको $135 जो है वो विनिंग मिली है यहाँ से। उसके बाद इसने कोई डिज़ाइन दिया था लोगो का, कंटेंट क्रिएटिशन का कोई डिज़ाइन दिया था, इसको $300 जो है वो पे आउट मिला है, ठीक है। उसके बाद इसने दिया था नेक्स्ट जो है क्रिटियो नाम है इसका, इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम फॉर ए गेम चेंजिंग हेल्थ, ठीक है, हेल्थ केयर या कुछ इस तरह आगे होगा, तो इसको मिले हैं $500, ठीक है, यानी कि इसने नेम दिया था, सजेस्ट किया था। उसके बाद आ जाते हैं जी नीड ए बदास लोगो, ठीक है, इसने एक लोगो डिज़ाइन करके दिया है, $100 इसको मिले हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे चेक करते जाएं जो है वो 135, 300, 135, 300, 300, 200, 225, इस तरह जो है वो लोगों ने विनिंग की हुई है, $500 तक मैक्सिमम जो है वहाँ यहाँ पे विनिंग होती है, ठीक है, विनिंग हुई हुई है। तो ये सारा काम है, तो अभी हमने इस पे काम कैसे करना है, अभी हम देखते हैं जी यहाँ पे हम आ जाते हैं मैन पेज पे, जो वेबसाइट का मैन पेज है, अभी हम क्लिक करते हैं कॉन्टेस्ट पे, ठीक है। कॉन्टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अभी हम देखना चाहते हैं जी कि एक्टिव कॉन्टेस्ट कौन है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं एक्टिव कॉन्टेस्ट पे, ये देखें ये एक जो फर्स्ट पे आ रहा है यूथ हॉकी टीम नेम, यानी कि ये अपनी हॉकी टीम के लिए जो है वो नेम सजेस्ट करवाना चाह रहा है, ठीक है। कनाडा का ये कोई बंदा है और इस पे 376 एंट्रीज हैं, 4 दिन और 12 घंटे अभी इस पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें टेक स्टार्टअप सपोर्टिंग एल्डर्स एंड देयर अडल्ट चिल्ड्रन विज पेपर वर्क एडमिनिस्ट्रेटर अफेयर्स, ठीक है, यानी कि ये कोई चिल्ड्रन वर्क का पेपर वर्क है चिल्ड्रंस के लिए, उसके लिए जो है वो सजेशन मांग रहा है। इस पे 66 एंट्रीज हैं और 4 दिन और 9 घंटे इस पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फार्मेटेबल हाई एंड फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए कोई सजेशन मांग रहे हैं। उसके बाद इस तरह काफ़ी व्हीकल टेंट ट्रैप, इस तरह काफ़ी नीचे आप जो है वो करते जाएंगे तो आपको यहाँ मिलते जाएंगे, ठीक है। कोशिश करें, मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ वो ये है कि जिस पे इंट्रीज कम हो, मिसाल के तौर पे इस पे अभी 66 एंट्रीज हैं, इस पे आप जो है वो सजेशन दें, क्योंकि इस पे आपके विनिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ये 376 एंट्रीज हैं, इस पे भी आप दे सकते हैं। कोशिश करें जिस पे इंट्रीज कम हो वहाँ पे आप सजेशन दें ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों आपके विनिंग के। ये देखें इस पे 36 जो है वो इंट्रीज हैं और इसके $100 जो है वो रिवॉर्ड है, $100 इस पे रिवॉर्ड आ रहा है, ठीक है। लोगो फॉर वाइन ब्रांड, ठीक है, इस पे आप लोगो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौका है कि आप यहाँ पर अपना लोगो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इस पे काम है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये फिल्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं तो यहाँ से आप जो है उसको सिलेक्ट कर लें, सिर्फ उसी की जो कॉन्टेस्ट है वो आपकी तरफ शो होंगे। यानी कि अगर आप कोई सिर्फ एक इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के बारे में स्पेसिफिक नेम, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज आ जाती हैं नेमिंग एंड टैग लाइन्स, नेमिंग ओनली, टैग लाइन ओनली और लोगो एंड डिज़ाइन, ठीक है। अगर आप सिर्फ नेमिंग और टैग लाइन देना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, सिर्फ नेम सजेस्ट करना चाहते हैं तो नेम कर लें। इसी तरह आप लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं सिर्फ, तो सिर्फ इसको लोगो डिज़ाइन पर क्लिक करें तो आपके पास सिर्फ वो कॉन्टेस्ट आएंगे जहाँ पर लोगो डिज़ाइनिंग की जो है वो डिमांड है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे इसके काफ़ी सारे और भी आ जाते हैं ऑप्शंस, असाइन टू मी, पार्टिसिपेटेड बाय टू मी, उसके बाद आ जाते हैं जी नॉट पार्टिसिपेटेड बाय मी, यानी कि काफ़ी सारे जो हैं वो कॉन्टेस्ट आ जाते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस में पार्टिसिपेट किया है, किस में नहीं किया हुआ है, ठीक है, या कोई डोमेन मैंने रिपोर्ट की हुई है तो वो कौन सी है, तो वो सिर्फ इंट्रीज यहाँ पर वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको पे आउट मिलता है, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अभी मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है, आपने यहाँ पे ऊपर एक साइन अप, मैं आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट करेंगे आपके पास तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा वेबसाइट का, यहाँ पे ऊपर आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ ईमेल के थ्रू भी जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो ज्वाइन एज अ बायर, ज्वाइन एज अ क्रिएटिव और मार्केट प्लेस सेलर, ठीक है, आपने मार्केट प्लेस सेलर जो है ज्वाइन एज अ क्रिएटिव और मार्केट प्लेस सेलर जो है
इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये आ जाती है कि स्क्वाड हेल्थ की जो ऑफर्स आती हैं बाई मेल, वो आपको पहुंचती रहे, ठीक है। तो इसको आप अगर चेक करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दें, कर दें तो बेहतर है, क्योंकि इस पर जो प्रमोशन वगैरह होती हैं या कोई न्यू अपडेट आती है तो वो आप तक बाई मेल पहुँच जाती है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ये आपका एड्रेस, कंट्री, सिटी, स्टेट ये आ गया, आपसे मांगेगा जिप कोड और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, ठीक है। तो आप जो है वो गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं और साइन अप विद फेसबुक भी जो है वो आप यहाँ पे फेसबुक के थ्रू भी अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, इसमें नेम्स होते हैं, लोगोज होते हैं, टैगलाइंस होते हैं और टेस्टोमिनल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी जो पेमेंट का प्रोसीजर है, इनका पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, अभी देखें यहाँ पे पेमेंट जो है वो आपको मिलेगी पेपाल के थ्रू और पेयोनीर के थ्रू, ठीक है। पेपाल और पेयोनीर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पेमेंट लेने का सिस्टम है, हर बंदा यूज़ कर सकता है। अगर आप कहते हैं कि यार पेपाल या पेयोनीर नहीं बनता, तो यार ये फजूल सी बात है, आजकल हर चीज़ जो है वो बन रही है पाकिस्तान में भी। पेयोनीर का अकाउंट तो ईजिली बन जाता है, उसका आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है उसके लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो पेयोनीर बहुत ही ईजी है, उसको आप अपने बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं, अपने जैस कैश अकाउंट के साथ भी आप उसको लिंक कर सकते हैं पेयोनीर को, ठीक है। यानी कि पेयोनीर के अकाउंट में आपकी जो है वो पेमेंट आएगी और डायरेक्ट आपके जो है वो जैज कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये काम था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही इजी और सिंपल काम है। जस्ट आपने थोड़ी सी देर इस पे टाइपिंग करनी है, थोड़ा सा टाइम देना है और आप यहाँ से एक हैंडसम अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से इजीली ये काम कर सकते हैं। जो बंदे कहते हैं यार कि हमारे पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो यार आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए कमर तनवीर ऑफिशियल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।